हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन माय सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माय यूट्यूब चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल यू हैव डिस्कस थ्रू द कादरी कोचिंग क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी हैव डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, all of you know what is the importance of chemistry, but today we have discussed in which types of questions are arise to you in the your examination. So my dear friend, within this case I have already been told to you, I have given to lecture, only our target is how do you face the board examination paper. So my dear friend, today we have the discuss very important point, formic acid. This topic is very important for you, very important for you. Already you have know, I am told so many times, in the current times I am giving those types of lecture. This lecture is important for you. Why? Because of in front of you the board examination paper is a coming soon. So our never lecture has not been given except of board examination paper. So my dear friend, myself Alimuddin Sheikh Qadri, I have told to you, we have discussing here through the Alimuddin Sheikh Qadri YouTube channel, formic acid or methanoic acid. My dear friend, formic acid or methanoic acid, already we have known formic acid HCOOH, formic acid HCOOH. How many carbon there? Only one carbon is simply equal to the meth. So this one is the OH group, methanoic. What is this? Methanoic. Their simple name is the formic acid. My dear friend, why we are called this topics of acids are called to formic acid? Because of the term of formic is also we make up of the formica se ye formic acid bana hai. So formica means, what is the meaning of formica? Those types of acids, those are simply be occur in a scorpion. And other categories of insects, other categories of mammals, those who are create to our body in their harmful effects. For just a little taking a simple example, honeybee, ant, मधुमक्खी, ऑंट मीन्स चींटी, बर्र, इसमें आपने देखा कि जब वो आपको काटते हैं, स्पाइन करते हैं, अपने स्पिक्यूल्स को धसाते हैं आपकी बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में जब आपके बॉडी में इसको धसाते हैं तो आपके बॉडी में एक विशेष प्रकार के पॉइजन इंजेक्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, दोस पॉइजन्स आर सिंपली नोन एज फॉर्मिक एसिड, and those categories of formic acid are very harmful for us. वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है. Not they are just like as a toxic of the snake's poison, but their nature are poisonous. उसकी प्रकृति टॉक्सिक है, पॉइजनस है, और जब हमारे बॉडी में वो इंटर करते हैं तो हमको बड़ी तेजी के साथ खुजली होती है, चिड़चिड़ाहट होती है,
ये सारी कंडीशन हमारे बॉडी में डेवलप कर जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की कंडीशन पर काफी ज्यादा डिस्कस करना अभी मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूं। उसका रीजन यह है, इस पर स्कॉर्पियन में भी वही एसिड है और फॉर्मिक एसिड और जो है ऑन्ट में भी वही एसिड है। तो स्कॉर्पियन का जहां जो है स्पाइन जो है इंटर करता है वहां पर स्वेलिंग नहीं होती। डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप बताओ किसमें कहां पर आपको स्कॉर्पियन ने काटा है, तो फिर आप उसको बताते हो। इसका मतलब है कि उसमें स्वेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। अब इसका रीजन क्या है मैं अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा आपको। आइए देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट पर मैं लेके चलता हूं आपको। मैंने बताया कि इसमें खुजली होती है, जलन होती है, आदमी को चिड़चिड़ापन होता है, स्वेलिंग हो जाती है। ये इफेक्ट होता है फॉर्मिक एसिड का, दोस्त फॉर्मिक एसिड आर इंटर्ड इन माई बॉडी विद देयर इंसेक्ट्स ऑफ स्कॉर्पियन, ऑन्ट, हनी बी, इनसे ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। परहैप्स वी हैव ऑलरेडी बी नो इन दिस टाइप्स ऑफ एसिड इवॉल्व। माय डियर फ्रेंड, दिस टाइप्स ऑफ एसिड इज सिंपली बी कॉल्ड द मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग हियर द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। The general method of preparation of formic acid. So, my dear friend, सबसे पहले मैं आपको formic acid बनाने की विधियों का वर्णन करूंगा और मेरा आपसे humble request है, जो speech मैं दे रहा हूं इस speech को आप लोग जो है नोट करते चलिएगा, रिपीट करते चलिएगा, क्योंकि स्पीच को अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो सो मैं लॉन्ग टॉपिक इज क्रिएटिंग हियर, बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। So, मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं और टॉपिक को मैं बोल रहा हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रफ पेपर पेन लेकर के बैठिए और जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं उस टॉपिक को नोट करते चलिए और मेरे रिएक्शन को नोट करते चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन टू रिएक्शन, मेथिल अल्कोहल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट इज फाउंड इन फॉर्मिक एसिड एंड वाटर। मेथिल अल्कोहल प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फॉर्मिक एसिड बनाया। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस हुआ, नॉट बी ए लैब प्रोसेस, ये लैब मेथड नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। सेकंड, फॉर्मिक एसिड एड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम टू फॉर्म अप टू मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहां पर दो मोल फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको लिखना क्या, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना है। कैसे लिखना है, द मेथिल अल्कोहल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इट फॉर्म्ड द फॉर्मिक एसिड, देन यू हैव गॉट द रिटन द रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड, इतना लिखने के बाद आप रिएक्शन को लिखेंगे कि जो मेथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मिक एसिड देता है, फिर उसके बाद आप इस रिएक्शन को नोट करेंगे। इज इट क्लियर? अब मेरा अगला स्टेप सुनिए आप लोग। मैंने कहा कि मैं लिखाना चाहूंगा तो आप सो मच टाइम से टेकन, अधिकतम समय लगेगा। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मिक एसिड में हमको फॉर्म करना है। आइए देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड से कैसे फॉर्मिक एसिड को फॉर्म करते हैं। माय डियर फ्रेंड, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द टू मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, टू मोल ऑफ फॉर्मिक बिकॉज ऑफ वी हैव टेकन टू द टू मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बिकॉज ऑफ हियर वी हैव टेकन टू द टू मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो अणु फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। ये मेरे दो स्टेप हो गए। आइए थर्ड स्टेप पर डिस्कस करते हैं। माय फ्रेंड, थर्ड स्टेप पर बता रहा है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट
and sulfuric acid. It means their media is a acidic. Within the acidic medium, within the acidic medium, acetic acid reacts with the in presence of sodium bicarbonate and sulfuric acid to form of the formic acid. SCWH formic acid. My dear friend, यहाँ पर मैंने फॉर्मिक एसिड के विषय में डिस्कस किया और आपको ध्यान में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड को लिया है और जो मैंने एसिटिक एसिड को लिया है उस एसिटिक एसिड को मैंने जो है सिंपल वे में लिया है और एसिटिक एसिड को लेकर के हमने जो है प्रोसीड कर दिया HCHO. यहाँ मैंने प्रोसीड किया है HCHO, HCHO. HCHO मैंने प्रोसीड किया दिया तो HCHO अगर मैंने प्रोसीड किया तो यहां पर हो गया फॉर्मल्डिहाइड. क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड. अब आप ध्यान देंगे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया. अब फॉर्मल्डिहाइड है तो उसमें एक ऑक्सीजन की भी कमी है तो मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया. इसका ऑक्सीडेशन करवाकर एक ऑक्सीजन को और एड कर दिया इसमें. अब यह बन गया फॉर्मिक एसिड. क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड. So my dear friend, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया. आपने देखा थर्ड स्टेप का रिएक्शन. फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा कि एसिटिक एसिड अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड बनाता है और यह फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. अगला स्टेप आप देखिए जो है फोर्थ स्टेप. फॉर्मिक जो है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिटिक मीडियम. सोडियम डाइक्रोमेट का हमने एसिटिक मीडियम में लिया और लेने के बाद ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया. ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ये क्या बना? फॉर्मिक एसिड बन गया. माय डियर फ्रेंड, क्या बना? फॉर्मिक एसिड बन गया. अब जब ये फॉर्मिक एसिड बन गया तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया. आइए आगे देखते हैं. क्लोरोफॉर्म को हमने एल्कोहलिक मीडियम में 4KOH के साथ रिएक्शन करवाया. मींस क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद द एल्किल मीडियम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ऑफ द पोटेशियम फॉर्मेट. क्या बनाया? पोटेशियम फॉर्मेट बनाया. अब यह पोटेशियम फॉर्मेट और उसके साथ 3KCl, 3 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, देन इट रिलीज टू द 2 मोल ऑफ वाटर. अब इसने 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर दिया. अभी आपने देखा कि यहां पर पोटेशियम फॉर्मेट ही बना है, फॉर्मिक एसिड नहीं बना. माय डियर फ्रेंड, अब हमको फॉर्मिक एसिड बनाना तो हम कैसे बनाएंगे? पोटेशियम फॉर्मेट को लेकर मैंने फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया और अब बना लिया ये फॉर्मिक एसिड. देन 2KCl प्लस 2H2O. इस तरह से आपने 5 स्टेप के रिएक्शन देखे. माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माई यूट्यूब चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माई कोचिंग क्लासेस इज कादरी कोचिंग क्लासेस. माई डियर फ्रेंड्स, अभी अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं. अब मैं लगातार अपना लेक्चर देता रहूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर, जिनके बोर्ड के पेपर को मैं आप लोगों को लगातार क्लियर करके वन बाई वन लगातार करके अपलोड करता रहूंगा. तो इसको ध्यान में रखकर अगर आपको बोर्ड में अच्छी मार्किंग गेन करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट को रखूंगा कि जो 30% कोर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को प्रिपेयर करके रख कर पूरा हमारा मेंटेन हो गया है, तैयार हो गया है और उसी प्रोग्राम को मैं लगातार आपको डिलीवर करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा. तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि यह जो हमने पढ़ाया अभी आपको कि किस तरह से हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, आइए देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड के फॉर्मेशन की लैब प्रॉपर्टी क्या है. माय डियर फ्रेंड, लैब प्रॉपर्टी के विषय में अगर हम स्टडी करेंगे, लैब प्रॉपर्टी के विषय में अगर हम अध्ययन करेंगे, तो इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप
अब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। आइए जरा सा हम आपको डिस्कस करा दें। हम जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे रिएक्शन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन दोबारा नहीं मिल पाएंगे आपको, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं उन्हीं रिएक्शन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि अब हमारा अगला रिएक्शन है, और कैसे प्राप्त करोगे ऑक्सैलिक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। माय डियर फ्रेंड, आइए इसको एक सिंगल स्टेप में करके देख लेते हैं। पहले जो है ऑक्सैलिक एसिड को हमको जो है ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है। ये देखिएगा C2H4O2, ये हो गया मैंने यहां पर थोड़ा सा वो कर दिया है C2H4O2, ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया C2O4H2, ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। अब हमको ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है। आइए इसको सिंगल स्टेप में करके देखते हैं। लाइव प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ये लाइव प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को लर्न करना सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा। मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन करता हूं, कैसे तोड़ करके आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो ये हो गया C2O4H2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है थ्रू 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है, एक 110 पर होता है, 220 डिग्री पर होता है। मैं 110 डिग्री का रिएक्शन आपको बता रहा हूं, 220 डिग्री क्या नहीं बता रहा हूं। 110 डिग्री पर क्या रिएक्शन करता है ये उसको डिस्कस करते हैं, जो इसके लाइव प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो मैंने ऑक्सैलिक एसिड को लिया, ऑक्सैलिक एसिड को लेकर के ग्लिसरॉल की उपस्थिति 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हमने हीट कर दिया। अब जब इसको हमने हीट किया तो बना लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH, और क्या बनाया, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया। माय डियर फ्रेंड, अब इसी स्टेप को आइए देखते हैं हम कैसे प्रूफ करते। इतना लिख देने से आपकी लैब प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आपको लैब प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट करनी है। आइए हम इसके रिएक्शन को तोड़ करके आपको समझाते हैं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कैसे रिएक्शन हुआ है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम यहां पर आपको देखेंगे कि ग्लिसरॉल को लिखेंगे, ग्लिसरॉल के बाद उसकी जो है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखिए। अभी हम लैब प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने चले, यही प्रॉपर्टी आपको बोर्ड पेपर में लिखनी है। अब आप देखेंगे यहां पर हमने लिखा CH2OH, ये हो गया क्या, ग्लिसरॉल हो गया। इसके साथ हमको रिएक्शन किसका कराना है, ग्लिसरॉल के साथ ऑक्सैलिक एसिड का। आइए देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड को प्लस HCOO सिंगल बॉन्ड COOH हो गया ना, H2C2O4 क्लियर हो गया, H2C2O4 क्लियर हो गया ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा इसके स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो मैं बना रहा हूं आपको, आप लोगों के हित के लिए समझा रहा हूं, यहां पर OH को हमने H से कंजॉइन कर दिया, H2O माइनस हो गया, क्या हो गया, H2O यहां पर माइनस हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, अगर H2O यहां पर माइनस हो गया तो अगला CO2 भी माइनस कर देते हैं, इस तरह से हो गया ना, मींस माइनस H2O हो गया प्लस और माइनस CO2 हो गया। अब बचा क्या, बच रहा उसको लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड। अब आप देखिए क्या बचा, H बचा है ना। अब H की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, अभी हमने इसका एक रिएक्शन कराया, हमने, और इसके एक रिएक्शन में हम इसको सिंपल से वे में लेके चल रहे हैं, सिंपल से प्रोसेस में लेके चल रहे हैं।
अगर यहाँ पर CO2 आप नहीं निकालना चाहते हो तो ना भी निकालिए, और निकालना चाहते हो तो आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं निकालना है, स्टेप को लार्ज करना है, देखिए स्टेप को लार्ज कैसे किया जा रहा है। एसिटिक एसिड हो गया है, सॉरी फॉर्मिक एसिड जो है, ये फंक्शनल ग्रुप इसका हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहां पर हमने लिख दिया सी डबल ओ एच, ध्यान देंगे। अब प्रोसेस में हम आ गए सी एच टू ओ एच, सॉरी सी एच ओ एच। अब अगले प्रोसेस में हमारा आया है सी एच टू ओ एच, माय डियर फ्रेंड। अब अगले स्टेप पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइनस CO2 मैंने कर दिया, यहां से एक CO2 को हमने बाहर निकाल लिया, एक CO2 को हमने यहां से बाहर निकाल लिया, और इस H को ले जाकर के यहां पर ऐड कर दिया। क्लियर हो गया ना? और ये देखते हैं रिएक्शन को, ये रिएक्शन हमारा हुआ CH2, हो गया ना CH2, C डबल O H, सी एच टू सी डबल ओ एच। आगे क्या बना माय डियर फ्रेंड? सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच। क्लियर हो गया ना? एनी कंफ्यूजन माय डियर फ्रेंड? अगर आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है कंप्लेंट करिएगा, ट्वीट करिएगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है नो प्रॉब्लम, वेरी इजी वे में मैं रिएक्शन को समझा रहा हूं, वेरी इजी वे में मैं रिएक्शन को समझा रहा हूं। डॉक्टर पी बहादुर की बुक से और डॉक्टर के एन शर्मा की बुक से और डॉक्टर ए एल जॉर्डन की बुक से, फॉरेन राइटर डॉक्टर ए एल जॉर्डन की बुक से ये रिएक्शन दे रहे हैं हम आपको, ध्यान देंगे। अब यहां पर हमने किया क्या कि यहां पर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया, क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस करवा दिया प्लस एच ओ एच। माय डियर फ्रेंड आइए आगे देखते हैं। अब ये देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, एच सी डबल ओ एच, ये देखिएगा ये मिल गया आपको एच सी डबल ओ एच, हमने लिख दिया एच सी डबल ओ एच प्लस सी एच टू ओ एच, यहां पर मैंने लिखा सी एच टू ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच। माय डियर फ्रेंड This reaction is completed. Is it clear? Once again, you have seen this reaction. CH2OH. This one is the glycerol. क्या है ये? ये glycerol है. Glycerol को हमने लिया और यहाँ पर हमने जो है इसको आर्जेनिक अम्ल के साथ reaction करवा दिया. Glycerol जब आर्जेनिक अम्ल के साथ reaction किया तो यहां पर आप ग्लिसराल को आर्जेनिक अम्ल के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, सिर्फ सिंगल मोल H2O बाहर निकल रहा है। अब जब ये सिंगल मोल H2O बाहर निकला, अगले स्टेप मैंने थोड़ा सा ऐसा स्टेप को लार्ज किया, मैं चाहता तो सीएम यहीं पर CO2 भी बाहर निकाल सकता था, परंतु माय डियर फ्रेंड CO2 को बाहर निकालने के लिए हमको 110 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए एक स्टेप हमको और लेके भागना पड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं CH2 C डबल O CH2 C डबल O C डबल O H CH2 C डबल O सिंगल बॉन्ड C डबल O H CHOH CH2OH। अब आ गया CO2, यहां से हमने बाहर निकाल दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यह प्रोसेस हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल O H। अब यहां पर आप देखिएगा CHOH CH2OH। अब यहां पर इसमें हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस करवा दिया, और हाइड्रोलिसिस क्रिया के परिणाम स्वरूप हमने बना दिया HCOOH फॉर्मिक एसिड। माय डियर फ्रेंड अब यहां पर फॉर्मिक एसिड बन गया, और जो फॉर्मिक एसिड बना तो वहां पर आप फिर ग्लिसराल बाहर हो गया। माय डियर फ्रेंड ग्लिसराल तो शुरू में ही एक्टिव जो भाग लिया था और फिर ग्लिसराल बाहर निकल गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल इनहिबिटर। ये एक आंतरिक उत्प्रेरक की भात कार्य करके फॉर्मिक एसिड को बना दिया, और जब फॉर्मिक एसिड बन गया तो फिर से ग्लिसराल बाहर हो गया, फिर से ग्लिसराल बाहर हो गया। इस तरह से ये जो रिएक्शन मैंने बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है माय डियर फ्रेंड। आइए अगले स्टेप इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो कि ग्लिसराल के विषय मैंने बताया। अब फिर मैं बता रहा हूं कि ग्लिसराल को बनाने की और भी विधियां क्या है, सॉरी फॉर्मिक एसिड को बनाने की और भी विधियां क्या है। माय डियर फ्रेंड मैं अगले प्रोसेस पर डिस्कस कर रहा हूं।
लेड नाइट्रेट लेड फॉर्मेट को लेकर के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ लेड फॉर्मेट HCOO होल टेकन ट्वाइस पीबी HCOO होल टेकन ट्वाइस पीबी माय डियर फ्रेंड दिस वाज द लेड फॉर्मेट। इसका रिएक्शन हमने करवा दिया किसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इज इक्वल टू अभी हाइड्रोजन सल्फाइड साथ रिएक्शन कर लिया ये बनाएगा 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या बनाएगा 2 मोल में लिया गया है और 2H यहां भी है हमने लिख दिया 2 मोल ऑफ HCOOH प्लस बचा क्या जो बच रहा वही आप लिख देंगे लेड सल्फाइड यही ना बचा भाई ये यही ना बचा ये तो चला गया इसके साथ अब बच क्या रहा है ये बच रहा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। माय डियर फ्रेंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आज मैं जो भी रिएक्शन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारे के सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन माय डियर फ्रेंड ये रिएक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए जो मैंने आपको बताए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टॉपिक बेस के हैं इसलिए आप लोग इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो इस तरह से मैंने रिएक्शन के विषय में आपको एक कंप्लीट जानकारी दिया कि किस किस मेथड से कौन कौन से मेथड से हम आसानी पूर्वक यहां पर जो है फॉर्मिक एसिड को बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड मैंने अभी अब तक जो आपको बताया कि फॉर्मिक एसिड के बनाने की विधि को बताया मैंने आपको फॉर्मिक एसिड के बनाने की विधि को मैंने आपको बताया अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूं जरा देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड माय डियर फ्रेंड नोट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड ध्यान देंगे फॉर्मल्डिहाइड में नहीं कर रहा हूं फॉर्मिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं यह एक अति तीक्ष्ण गंध का द्रव है अति तीक्ष्ण गंध का द्रव है जो प्रथम श्रेणी का सदस्य है जो प्रथम श्रेणी का सदस्य है यह एक रंगहीन है इसका क्वथनांक नोट करेंगे 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक नोट है तो इसका जो है आपने देखा गलनांक नोट किया और क्वथनांक नोट करेंगे 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड या एक कोरोसिव का अर्थ होता है संक्षारक कोरोसिव का अर्थ होता है संक्षारक अर्थात त्वचा पर फफोले भी डाल सकता है यदि हमारे एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट हुआ कोई गलती हुई तो हमारे त्वचा पर फफोले भी डाल सकता है इसीलिए हमको बड़ी सावधानी के साथ इसका रिएक्शन करना पड़ता है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो है त्वचा पर फफोले भी डाल देता है और सबसे बड़ी बात यह होता है यह पूरी तरह से जल और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है। क्या कहा मैंने जल और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है तो जल और अगर कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है तो आइए इसके विषय में अगर हम डिस्कस करते हैं कि जल और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है तो माय डियर फ्रेंड अगर यह जल और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है तो आइए देखते हैं कि जल और कार्बनिक विलायकों में अगर घुलनशील हो गया दिस नेचर इज वेरी गुड वेरी गुड नाइट ढेर सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे केमिकल ऐसे होते हैं दे ओनली विद जल टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉट विद जल टू द वाटर सिंपल वाटर डिस्टिल्ड वाटर हीटेड वाटर दे हैव नॉट विद जल मैक्सिमम और मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर डिसॉल्व टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माय डियर फ्रेंड दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स मींस फॉर्मिक एसिड इज सिंपली विद डिसॉल्व to simple water as well as organic compounds. ये इसके physical property है। आइए chemical property के विषय में discuss करते हैं। तो chemical property के विषय में सबसे पहले हम आपको discuss करके बताएंगे इसका acidic nature क्या है, अम्लीय प्रकृति क्या है, acidic nature क्या है। हमारे ये friends जरा ध्यान से देखेंगे। मैं acidic nature के विषय में बताने चल रहा हूँ। acidic nature एसिडिक नेचर के विषय में बताने चल रहा हूं आपको। एसिडिक नेचर में हम इसको लेकर के हाइड्रोलाइज कर देते हैं
HCOOH, यहां पर मैंने लिया इसको और हाइड्रोलाइज कर दिया, H प्लस आयन प्लस COO माइनस आयन, इज इट क्लियर? क्लियर। हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन दिया, साथ ही साथ ऑक्सलेट आयन भी दिया, तो अपने दो आयनों में डिकम्पोज हो गया। एक को मैंने कहा कि ये प्रोटॉन दिया, H प्लस आयन दिया, दूसरे को मैंने कहा कि ये निगेटिव आयन ने दिया। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटॉन कब रिलीज, एसिड की डिफिनीशन में आपने पढ़ा है, ब्रॉनस्टेड लॉरी की डिफिनीशन देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर ये विलयन में प्रोटॉन दे रहा है, दिस इज सिंपली बी एसिड, सिंपली बी एसिड, क्या हो गया, एसिड की पहचान हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, अगर ये एसिड नेचर में है, आइए आगे देखते हैं इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या क्रिया होगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन देखा जाए, अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, आप नोट करेंगे रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। माय डियर फ्रेंड, जरा सा देखते हैं इसको, HCOOH फॉर्मिक एसिड, अब यही फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अब इसके साथ रिएक्शन किया तो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट HCOONa, आगे क्या बना रहा माय डियर फ्रेंड, HCOONa बना लिया, अभी देखिएगा H2O प्लस CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O प्लस CO2, आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस है, या सोडियम यहां पर देखिएगा, या इसके साथ ध्यान से देखिएगा, या इसके साथ मिलकर के इसने सोडियम के साथ रिएक्शन कर लिया है, ये हो गया HCOONa प्लस, आप देखेंगे H2A को यहां से ले लिया, H2O हो गया प्लस CO2 हो गया, ये हमारा अगला स्टेप का रिएक्शन हो गया। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन पूछ रहा है, गिव द रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, मैंने अभी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बताया, सोडियम कार्बोनेट के साथ देखिएगा आप लोग, ट्वाइस HCOOH प्लस Na2CO3। माय डियर फ्रेंड, अब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां भी सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, क्योंकि ये 2 मोल में है, यहां भी 2 मोल में सोडियम है, इसने बना लिया 2 मोल में HCOONa, क्या बनाया, HCOONa सोडियम फॉर्मेट बनाया, क्या बनाया, सोडियम फॉर्मेट बनाया। अब जब ये सोडियम फॉर्मेट बना लिया, तो सिंपल सा पॉइंट है, H2O प्लस CO2 बनाएगा, H2O प्लस CO2 बनाएगा, अब आप देख सकते हैं कि H2O प्लस CO2 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये दो मोल हो गया, एक H यहां से, एक वो यहां से, H2O, दो H यहां से, एक वो यहां से, H2O बना लिया, CO2 बाहर निकल गया, क्लियर हो गया ना, मींस फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म ऑफ द सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू, सक्रिय धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सक्रिय धातु सोडियम के साथ, आइए देखते हैं इसका रिएक्शन, हम सक्रिय धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, हमने लिखा ट्वाइस HCOOH फॉर्मिक एसिड लिख दिया, मैंने फॉर्मिक एसिड को लिख करके हमें सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दिया, ट्वाइस Na के साथ रिएक्शन करवा दिया, और जब मैंने ट्वाइस Na के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया, तो ये बना लिया सोडियम फॉर्मेट, क्या बना लिया, सोडियम फॉर्मेट। माय डियर फ्रेंड, ये बनाएगा 2 मोल में HCOONa प्लस H2, क्या बनाया, H2 बनाया, अब यह हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया और सोडियम फॉर्मेट को बना दिया, तो इस तरह से इसने सोडियम फॉर्मेट को बनाया। आइए देखते हैं एल्कोहलों के साथ क्या क्रिया होती है, रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल, एल्कोहल
रिएक्शन विद अल्कोहल, मैं बताना चाहूंगा रिएक्शन विद अल्कोहल क्या होता है इसका। ध्यान दीजिएगा, जब लैब प्रॉपर्टी पूछेगा तो फिगर बनाना है और उसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने हैं, केमिकल प्रॉपर्टी लिखने हैं और किस तरह से बनता है उसको भी आपको लिखना है। इस तरह से मैंने जो है आपको टॉपिक दिया है। जरा सा आप रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर मैंने दिया है HCOOH, फॉर्मिक एसिड मैंने दे दिया। अब इसका रिएक्शन हमको कराना है एथिल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ। अब हम यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं HOC2H5, एथिल अल्कोहल हो गया ना C2H5OH। माय डियर फ्रेंड, यहां से आप OH को निकाल लेंगे, HCOOC2H5 क्या बना? HCOOC2H5, HCOOC2H5 प्लस H2 हमने बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? H2 हमने बाहर निकाल दिया। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो बना है वो बना है आपका कंपाउंड बना एथिल फॉर्मेट। क्या बना? एथिल फॉर्मेट। क्लियर हो गया? यहां पर जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है एथिल फॉर्मेट। अब आपको मैं बताना चाहूंगा जो एथिल फॉर्मेट बना या इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे देखिएगा, मैं अगला कुछ रिएक्शन और आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपकी समझ में ना आए। माय डियर फ्रेंड, हमारे लेक्चर्स अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो यह मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा। तो मेरा आपसे हार्टली हृदय से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करने के बाद स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को रीड करिए, क्योंकि जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस केमिस्ट्री को टॉप टू बॉटम लेके चलूंगा। टॉप टू बॉटम मुझे डिस्कस करना ही करना है आप लोगों के विषय में, क्योंकि हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंटरमीडिएट को फेस करने से घबराए। मैं इतने क्वेश्चन आपको दूंगा कि कोई क्वेश्चन बोर्ड पेपर में ऐसा नहीं फंसेगा जो कि आप लोग उसमें से छोड़ करके आए। सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। क्या होता है जब सोडियम, क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, HCOOH2CA हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट। मैंने इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? मैंने इसको हीट कर दिया। और हीट करने के बाद अब आप देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट को हमने हीट किया है, अब ये बना लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फॉर्मल्डिहाइड, माय डियर फ्रेंड, फॉर्मल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन फॉर्मलिन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वाटिक सोल्यूशन ही फॉर्मलिन कहलाता है, जो मोस्टली प्रिजर्वेटिव के रूप में वर्क में आता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है। आप देख सकते हैं क्या पर जो है फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अगला क्या बना? CaCO3। क्या बना? प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है जब अमोनियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है? जरा सा इसको भी रिएक्शन देख लीजिए। HCOO हो गया HCOONH4। क्या हो गया? HCOONH4। अब ये अमोनियम फॉर्मेट हो गया। अमोनियम फॉर्मेट का रिएक्शन हम करवा, इसको हीट कर रहे हैं। अमोनियम क्या पूछता क्वेश्चन? क्या होता है जब अमोनियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाइए, मैं क्वेश्चन भी देता जा रहा हूं, आंसर भी देता जा रहा हूं। क्या होता है जब अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं? माय डियर फ्रेंड, अगर मैं अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करता हूं तो यहां पर जो है फॉर्मिनाइड बनता है HCONH2। अमोनियम फॉर्मेट बना। आगे क्या बन रहा है माय डियर फ्रेंड? अब आगे जो बच रहा है वही आप लिख दीजिए। आगे जो बच रहा है आपको वही लिखना है कि HCOONH4। तो यहां पर मैंने बनाया आपको HCOONH4, तो यहां पर HCO नहीं, ये नहीं बनेगा बेटा। यहां पर जो है HCO, आप ध्यान से देखेंगे HCOONH2 बनेगा, HCOONH2 बनेगा, HCOONH2। HCOONH2 को कहेंगे हम फॉर्मिनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मिनाइड बोलेंगे। और ये फॉर्मिनाइड जो है इसी के साथ H2O, अभी देखिएगा यहाँ बचा हुआ है H2, यहाँ बचा हुआ है,
H2O हमने बाहर निकाल दिया, ये फॉर्मीमाइड बन गया, क्या बन गया, फॉर्मीमाइड, ये फॉर्मीमाइड बन गया माय डियर फ्रेंड। अब इसी के साथ मैं सिंपल सा रिएक्शन आपको देना चाहता हूं, क्या होता है जब सोडियम फॉर्मेट को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, सोडियम फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस एच सी डबल ओ एन ए, सोडियम फॉर्मेट मैंने लिया और इस सोडियम फॉर्मेट को लेकर के मैंने हीट किया, गर्म किया। सोडियम फॉर्मेट को लेकर के अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने का प्रोसेस होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसको हीट कर दिया और हीट करने पर यह बना लिया सोडियम ऑक्सलेट। जब ध्यान से देखिएगा, यह सी डबल ओ एन ए सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एन ए, इस तरह से क्या बनाया, सोडियम फॉर्मेट बनाया और ये जो है ये सोडियम फॉर्मेट बना लिया। अभी एच दो मोल में बचा हुआ है, अब मैंने लिख दिया एच सिंगल बॉन्ड एच माय डियर फ्रेंड और एच टू, ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैं अलीमुद्दीन से कादरी आप लोगों को ढेर सारे रिएक्शनों के विषय में अभी अब तक की जानकारी दी है। अब मैं आपको विशेष जानकारी एक और दो चार रिएक्शनों के विषय में बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अपघटन की क्रिया इसमें कैसी होती है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस इसमें कैसे होता है। माय डियर फ्रेंड, जरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस देखिएगा। मैंने कहा जितनी तेजी के साथ आप लोग नोट कर सकते हो उतनी तेजी के साथ नोट करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा रिएक्शन जब चलता है तो बहुत ही फास्ट चलता है। केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन तक के रिएक्शन को मुझे कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो रिएक्शन जहां से आए आसानी से पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं उस टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे यहां पर मैं जो करने चल रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं करने चल रहा हूं, कि यह अपघटन का है, रिडक्शन रिएक्शन का है। आइए देखते हैं अपघटन की क्रिया कैसी होती है। अपघटन की क्रिया में इसको ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दीजिए बस, HCOOH। अब यहां पर हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट कर दिया, अब ये सल्फ्यूरिक डिकम्पोज हो जाएगा। यहां पर देखिएगा CO2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया, ये हो गया CO2 प्लस H2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन, ये बन गया। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको ये ढेर सारे रिएक्शन बताए। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने फार्मिक एसिड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। माय डियर फ्रेंड, एक लेसन को मैंने शुरू किया और समाप्त कर दिया। लास्ट का टॉपिक आप नोट करेंगे प्लीज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग इसका सबसे पहले आपने देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है, अपचायक के रूप में होता है, इसका उपयोग अपचायक के रूप में होता है। दूसरा, चर्म शोधन में होता है, जो पशुओं के चमड़े निकाले जाते हैं उनके शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला देख रहे हैं कि रबर, लेटेक्स, रबर ब्यूनायस रबर, रबर और लेटेक्स के संश्लेषण सिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है और सोडियम ऑक्सलेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको इसका उपयोग बता दिया। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से एक बार फिर आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद जो देना चाहता हूं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप शेयर करिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन लगातार चलता रहेगा और मैं अपने एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे, एक जो आज मैंने डिस्कस किया है या डिस्कस मेरा बोर्ड पेपर के क्वेश्चन से है, ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड पेपर के क्वेश्चन से है। तो मैं ऐसे ही लगातार क्वेश्चन के एक क्वेश्चन उठा करके आपको डिस्कस करता चला जाऊंगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी और कोचिंग क्लासेस कादरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपसे जो है हमारा निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।